आपके पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग एक जो 9 के लिए हिंदी की द्वितीय भाषा के पाठ्यक्रम के अंतर्गत पहला अध्याय धूल, जिसके कभी परिचय मैंने लेखक परिचय मैंने आप लोगों को समझा दिया था। बच्चों, आज मैं आपको धूल पाठ के संक्षिप्त रूप से समझाने का प्रयास कर रही हूँ। आइए अब हम धूल के बारे में जानते हैं। क्लास 9 गद्यखंड पाठ एक, पाठ का नाम धूल, लेखक का नाम रामविलास शर्मा। धूल, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि हम सभी इससे नफरत करते हैं, इस पाठ में लेखक रामविलास शर्मा जी ने धूल की महिमा और महात्म और उसकी उपयोगिता का बखान किया है। अपने किशोर और युवावस्था में लोगों को पहलवानी का शौक रहता है। लेखक ने गांव के अखाड़ों के बारे में भी हमें बतलाया है और साथ ही गांव और शहरों के जीवन शैली के अंतर को भी इस पाठ के माध्यम से स्पष्ट किया है। लेखक धूल के को देश प्रेम से भी जोड़ते हैं, साथ ही लेखक ने धूल के सौंदर्य का भी वर्णन किया है। बालकृष्ण के मुख पर लिपटा धूल के कण इस बात का प्रमाण है कि धूल में लिपटा हुआ ऐसा प्रतीत होता है मानो उनका बदन स्वर्ण कण से झिलमिला रहा हो। लेखक ने गोधूली वेला के सौंदर्य का भी वर्णन किया है। ग्रामीण और शहरी लोगों में धूल की क्या अवधारणा है, यह भी लेखक ने इस पाठ में हमें बताया है। धूल और मिट्टी के अंतर को भी लेखक ने स्पष्ट किया है। बच्चों, आपके स्क्रीन पर धूल का प्रश्न उत्तर नज़र आ रहा होगा। पाठ का संक्षिप्त परिचय के साथ साथ पाठ का प्रिंटआउट भी आपके स्क्रीन पर है। आप उसका अध्ययन करके उसके से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर पाठ्य पुस्तक के आधार पर लिखेंगे और उसे एक नोटबुक में अच्छी तरह से लिख लेंगे। धन्यवाद।